अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में आपके साथ 9th to 6th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। यहाँ से जो शोर क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकते हैं इंपॉर्टेंट है, उनमें फिजिकल क्वांटिटीज लाइक बेस क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज, उनके यूनिट, प्रीफिक्सेस, साइंटिफिक नोटेशन, वर्नियर कैलिपर है, उसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर्स है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर बात की जाए तो न्यूमेरिकल्स के लिए नंबर 2, 4, 6 और 8 ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट नहीं है, लिहाजा आप उसको स्किप करें। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर काइनेमैटिक्स। यहां से अगर हम बात करें शो इंपॉर्टेंट शोर क्वेश्चन में रेस्ट एंड मोशन, स्केल एंड वेक्टर क्वांटिटीज, इसके अलावा ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन शोर्ड लॉन्ग दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली बोर्ड में इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक इक्वेशन लॉन्ग में बोर्ड में लाजमी आती है। इसके अलावा बात की जाए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तो उसमें नंबर 3, 2, 5, 6 और 8 इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो उसमें आप नंबर 6, 7, 9, 10 और 12 को अच्छे से रेडी करें, ये शोर के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात की जाए थर्ड चैप्टर डायनामिक्स की तो यहाँ से फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उसकी लाइफ डेली लाइफ एप्लीकेशंस हैं, मास और वेट में डिफरेंस और रूलिंग फ्रिक्शन, सेंटीमीटर फोर्स, ये सारे के सारे शोर में इम्पोर्टेंट हैं। लॉन्ग के लिए जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, स्पेशली सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसके अलावा कंजर्वेशन मोमेंटम, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तो उसमें प्रॉब्लम नंबर 1, 3, 5, 8 और 9 दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। इसके बाद अगर बात की जाए चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, तो यहाँ से लाइक एंड लाइक पैरेलल फोर्सेस, इसके अलावा एडिशन ऑफ फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, इसके अलावा नेक्स्ट बात की जाए तो इक्विलिब्रियम, उसकी कंडीशंस एंड लास्ट वन इज द इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो है नंबर 4, 6 और 7। न्यूमेरिकल की बात की जाए तो न्यूमेरिकल्स के लिए अगर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करें तो नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 के 5 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी, एनर्जी की डिफाइन, उसकी टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, उसके अलावा एफिशिएंसी, ये सारे के सारे शोर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की बात की जाए तो उसमें नंबर 2, 3, 4, 6 और 9 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यहाँ से डेंसिटी की डिफाइन, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके अलावा प्रेशर लिक्विड, पास्कल्स लॉ और एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, स्पेशल हाइड्रोलिक प्रेशर। अब हाइड्रोलिक प्रेस की अगर बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, मोस्टली बोर्ड में आता है। इसके अलावा इलास्टिसिटी क्या होती है, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, ये भी इन लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात की जाए न्यूमेरिकल्स की तो न्यूमेरिकल के लिए नंबर 1, 3, 5, 6, 11 और 12 ये इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें टेम्परेचर एंड हीट में डिफरेंस, इसके अलावा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डिफाइन और उसके अलावा हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट वेपराइजेशन, लेटेंट हीट वेपराइजेशन, इवेपोरेशन, उसके फैक्टर्स, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन एंड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब यहाँ से जो लास्ट 3 टॉपिक्स है, इवेपोरेशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ये तीनों लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अगर बात की जाए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तो उसमें नंबर 3, 4, 7 और 9 ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर हीट के डिफरेंट कंडीशंस, ये आप अच्छे से रेडी करें, इसमें कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, ये इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन है,
और उसके बाद अगर बात की जाए लास्ट वन में तो आपके प्रॉब्लम्स आ जाएगी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उसमें आपके न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों फर्स्ट न्यूमेरिकल्स, इसके लास्ट दो न्यूमेरिकल पॉइंट, दोनों रेडी करें, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ से अगर स्कीम की बात की जाए तो बेटा एक बात याद रहे कि मैट्रिक में मोस्टली स्कीम गलत हो जाती है, इसलिए आप तमाम चैप्टर्स को अच्छे से रेडी करें। अगर आप इन गेस्ट पेपर्स के मुताबिक शॉर्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लॉन्ग को अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं, अल्लाह ताला कामयाब करें। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो न्यूमेरिकल्स के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से, किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।